आज मैं आपको जंगे अहद यानी शहदाए अहद के बारे में पूरा वाक़या बयान करूँगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे अहद की तैयारी के लिए तमाम सहाबा इकराम को जमा किया। उसी के अंदर उबई इब्ने सैलून जो मुनाफिकों का सरदार था वो भी शामिल था, वो सिर्फ़ नाम का मुसलमान था। जब उसको पता चला उबई इब्ने सैलून को कि जो दुश्मनों का लश्कर है उनकी तादाद ज़्यादा है, तो उबई इब्ने सैलून ने कहा ये तो कोई किताल नहीं हुआ, और वो 350 बंदे लेकर फिर से मदीना शरीफ की तरफ लौट गया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 650 बंदे थे जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर शहदाए अहद में इस जगह पर तशरीफ आए। सबसे पहले जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, 70 सहाबा इकराम जो ऐसे थे जो तीर चलाने में माहिर थे, उनको जो आप सामने पहाड़ी देख रहे हैं ऊपर बंदे खड़े, इसी पर 70 सहाबा इकराम को खड़ा कर दिया और उनसे सख्त अल्फाज में फरमाया कि तुम्हें इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना है, चाहे हमारा कत्ल क्यों ना कर दिया जाए, तुम्हें इस पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना है। और काफिरों का जो लश्कर था उसकी कमान अबू सुफियान के हाथ में थी, वो इस पूरे काफिले को संभाल रहे थे और जंग की जो क़यादत कर रहे थे खालिद इब्ने वलीद जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे वो पूरे जंग की क़यादत कर रहे थे। फिर हर्ब शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई, तो पहले मुबारजत की जाती थी, एक एक बंदे को लड़ाया जाता था, सबको एक साथ नहीं लड़ाया जाता था, तो इधर मुसलमानों की तरफ से एक बंदा उधर काफिरों की तरफ से एक बंदा आया और लड़ाया गया, तो काफिरों का बंदा मारा गया, उसके बाद दूसरा बंदा भेजा काफिरों ने तो वो भी मारा गया, तीसरा भेजा तो वो भी मारा गया, फिर 10-10 का हजूम बनाकर भेजा गया तो वो भी मारा गया, फिर 50, फिर 100, इस तरह सब मारे गए। तो जब काफिरों ने देखा कि हमारे सारे तमाम बंदे इस तरीके से मारे जा रहे हैं, तो वो अपना माल गनीमत छोड़कर सब भागने लगे। जब सब भागने लगे तो उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 70 सहाबा इकराम को कहा था कि तुम्हें पहाड़ी से नीचे नहीं उतरना है, वहीं 70 सहाबा इकराम पहाड़ी से नीचे उतरने लगे, तो उनके अमीर ने उनसे कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें मना फरमाया है, तुम नीचे ना उतरो, तो सहाबा इकराम ने कहा कि अब तो जंग ख़त्म हो चुकी है और सारे काफिर भी भाग चुके हैं, अब तो हम नीचे जाकर माले गनीमत उठा सकते हैं। तो सहाबा इकराम नीचे आ गए सारे हथियार छोड़कर। जब वो नीचे आए माले गनीमत उठा रहे थे, तो उस वक्त खालिद इब्ने वलीद जो दूर खड़ा हुआ था, दूर खड़ा होकर देख रहा था, तो उसने फिर से अपने काफिरों के पास गया और वहाँ जा कर के 100 बंदे लेकर के वापस आया हथियारों के साथ, और उसने तमाम सहाबा इकराम जो नीचे माले गनीमत उठा रहे थे उनको शहीद कर दिया। काफिरों के लश्कर में एक औरत थी हिंदा, जब उसको पता चला कि सैयदना हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो भी शहीद हो गए, तो वो अपने साथी को लेकर सैयदना हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो को ढूंढने निकली, और ढूंढने के बाद उसने सबसे पहले सैयदना हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो के कान मुबारक काटे, उसके बाद आपकी नाक मुबारक काटी, उसके बाद उसने आपका चेहरे पर और पूरे जिस्म पर ज़ख्म किए, उसके बाद उसने आपका पेट चाक करके कलेजा निकाला और निकाल कर चबाया, लेकिन वो चबा ना सकी। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि सैयदना हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो ने जंगे बदर के वक्त उसके शोहर को और उसके बाप को उतबा और शेबा को कत्ल किया था, तो उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया। और इसी जंगे शहदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए, और आपने जो लोहे की जो हूद पहनी थी टोपी, तो उसके अंदर जो कीलें लगी हुई थी वो कील भी आपके रुखसार मुबारक और आपके सर मुबारक में वो कील लग गई थी, उसके बाद आप बेहोश होकर नीचे गिरे। तो तमाम सहाबा इकराम ने आपको ले करके जो आप सामने ये पहाड़ देख रहे हैं जबल अहद का बड़ा पहाड़, इसी पर आपको ले करके चले गए ताकि काफिरों से दूर बचाया जाए, आप कुछ चैन की सांस ले सकें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौटे तो आप देखते हैं कि 70 सहाबा इकराम शहीद हो गए और आपके प्यारे चचा सैयदना हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो भी शहीद हो गए। जब आपने देखा सैयदना हमज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हो को, तो आप ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, तो आपको रोता देखकर तमाम सहाबा इकराम भी
रोने लग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जो भी जंगे अहद में शहीद हुए हैं उनको यहीं पर दफना दिया जाए, अहद से बाहर ना ले जाया जाए। इसी असना में एक औरत आती है जिनके शौहर सहाबी रसूल थे, तो उनकी औरत आकर कहती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरे शौहर भी शहीद हो गए, लेकिन मेरे शौहर का एक पैगाम है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कि हमारी शादी को अभी एक दिन भी नहीं हुआ था और मेरे शौहर ने अभी गुस्ल जनाबत भी नहीं किया था कि जंग का ऐलान हुआ तो वो जंग में आ गए और वो शहीद हो गए, तो आप उनको ज़रूर गुस्ल जनाबत दे दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद को गुस्ल की कोई ज़रूरत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे जितने भी सहाबा इकराम हैं जो शहीद हुए हैं अल्लाह के फरिश्तों ने उनको गुस्ल दिया है। इस तरीके से पूरा ये जंगे अहद का वाकया हुआ है। तो अब मैं आपको सैदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक की ज़ियारत करवा रहा हूँ, आप भी ज़ियारत कर लें और आप पर सलाम पढ़ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा ना मानने की वजह से ये जीती हुई जंग हार गए और शहीद हो गए। तो हमारे प्यारा आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की कितनी नाफरमानी कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा रहा है। तो हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने और आपके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएं, आमीन। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोग शहदाए अहद जंग अहद की ज़्यारत कर सकें।